राजीव चंद्रशेखर ने 4 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के शशि थरूर से होगा। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी गई याचिका में आरोप लगाया है कि राजीव चंद्रशेखर अरबों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 28 करोड़ रुपए बताई है, जिसके बाद बोर्ड की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के सौंपे गए हलफनामे के वितरण में किसी भी बेमेल जानकारी को सत्यापित करने का मंगलवार को निर्देश दिया गया। सूत्रों की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर की ओर से दाखिल हलफनामे में उनकी वास्तविक और घोषित संपत्ति के बीच मेल नहीं होने का दावा करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि प्रक्रिया की माने तो निर्वाचन आयोग ने CBDT को चंद्रशेखर के सौंपे गए हलफनामे के वितरण में किसी भी बेमेल वितरण को सत्यापित करने का निर्देश दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने 28 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की भी घोषणा की है। इसमें नकदी, बैंक जमा, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों और सहकारी समितियों में हिस्सेदारी, साथ ही निवेश बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, कंपनियों म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल है। उनकी चल संपत्ति में एक विंटेज मोटरसाइकिल और अन्य वस्तुएं शामिल थीं, जिसकी अनुमानित कीमत 3,25,00,000 रुपए थी। उनकी एकमात्र घोषित अचल संपत्ति कर्नाटक के बेंगलुरु में गैर कृषि भूमि का एक भूखंड था, जिसकी अनुमानित कीमत 14,04,00,000 रुपए थी। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में संपत्ति सहित अन्य स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। आपको बता दें कि हलफनामे में किसी भी तरह की बेमेल और गलत जानकारी देने के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत निपटा जाता है। कानून के मुताबिक नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।